बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेशनल डायलॉग की हमायत कर दी है। हुकूमत मुस्ताफी होगी ना ही असेंबलियां तहलील होंगी। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि पीडीएम का हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा बिला जवाज है। इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी डायलॉग बदउनवानी के खात्मे के बगैर नामुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में सियासी तनाव में कमी आएगी और हुकूमती नुमाइंदों की दौरा इसराइल की इत्तलात बेबुनियाद है। हुकूमत मुस्ताफी होगी ना ही असेंबलियां तहलील होंगी। पीडीएम का मुतालबा बिला जवाज करार। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेशनल डायलॉग की हिमायत कर दी। दो बरस से सियासी निजाम को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है। इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी डायलॉग की जरूरत है। कब और किसने डायलॉग करना है ये वजीर आजम तय करेंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वाहिद नुकता करप्शन से पाक पाकिस्तान है। कौमी डायलॉग नैब और बदनवानी के खात्मे के एजेंडे के बगैर नामुमकिन है। 2014 में हमने आइन की हदूद में रहकर अस्करी की आदत से मुलाकात की। इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी डायलॉग वक्त की अहम जरूरत है। उनका कहना था कि ना ही हुकूमत मुस्ताफी होगी और ना ही असेंबलियां तहलील होंगी। आने वाले दिनों में मुल्क में सियासी तनाव में कमी आएगी। वजीर आजम के साथ रोजाना की बुनियाद पर बात होती है। हम दोनों में रोजाना राबते भी बरकरार हैं। वजीर आजम और मैं इस्लामी तारीखी कुतुब पढ़ रहे हैं। उनका मेरे साथ मजाक का पहलू भी रहता है। अक्सर मामलात पर वजीर आजम मुझे समझाते हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि बलूचिस्तान में गड़बड़ और तखरीबकारी के वाकयात में 99% भारत का हाथ है। भारत खुलकर सी पैक के खिलाफ है, इसीलिए इसके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। सदर मुमलिकत का कहना था कि इसराइल को तस्लीम न करने के हवाले से हमारा मौकिफ वाजे है। हुकूमत पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोई गैर मुल्की दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमती नुमाइंदों की इसराइल का दौरा करने की इत्तलात बेबुनियाद हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं, फौज मुखालिफ बयानी का मौसर जवाब दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जमानों को हिदायत और कहा कि जेजोआई के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह ने फौजी मुखालिफ बयानात पर कार्रवाई का फैसला किया और यह कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान ने असासे कैसे बनाए हैं। फजलुर रहमान ने असासे कितने बनाए और आवाम को आगाह किया जाए, इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान की तर्जमानों को हिदायत। बातचीत और मसाइल के हल का बेहतरीन फॉरम पार्लियामेंट है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। वजीर आजम इमरान खान का बयान सामने आया है जिसमें वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले किसी कीमत पर जमहूरियत के अलमबरदार नहीं हो सकते। जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों का मजबूत होना अहम है। वजीर आजम से उनके मशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने मुलाकात की जिसमें मुल्क की सियासी सूरतहाल आईनी कानूनी और पार्लिमानी उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर वजीर आजम का कहना था जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों का मजबूत होना अहम। अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले किसी कीमत पर जमहूरियत के लम्बरदार नहीं। रियासत के तमाम सतून अपने दायराकार में रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। बाबर आवान ने मौशी इस्तेकाम और कोरोना से बचाव की हुकूमती पॉलिसियों को हुकूमत की अहम कामयाबियां करार देते हुए कहा कि अंधेरे फरोशों का पाकिस्तान में अब कोई मुस्तकबिल नहीं। तमाम पार्टियां नए इंतखाबात पर मुत्तफिक। पीडीएम से हुकूमत खौफसदा और घबराहट का शिकार है। मुराना ने नैब की कार्रवाई जेएजवाई पर हमला करार दे दिया है। सवालनामा मीडिया तक महदूद मुझे नहीं मिला, बुलाया गया तो तमाम कारकुनान साथ जाएंगे, ऐसा कहा गया है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से। मौलाना फजलुर रहमान की डेरा इस्माइल खान में मीडिया टॉक।
डेरा इस्माइल खान में कारकुनों से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तस्लीम किया है कि कौमी असेंबली में हलफ उठाकर गलती की। उनका कहना था कि सियासी जमातें एक पेज पर हैं। इलेक्शन के बाद तमाम जमातों ने कहा कि धांधली हुई है। नवाज शरीफ के दो खताए हैं, एक खत मुझे और एक शहबाज शरीफ को लिखा है। नवाज शरीफ ने लिखा है कि मौलाना ने कहा था कि हमें असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए था। फजलुर रहमान ने कहा कि इस वक्त हुकूमत हिल चुकी है। हुकूमत ने सवालनामा भेजकर करदार कुशी करने की कोशिश की है। ये जमीयत पर हमला है। पेशी हुई तो सिर्फ वो नहीं, पूरी जमात पेश होगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सब मुत्तफिक हैं, यहां जमहूरियत है ना आईन और कानून की अमलदारी। उलमा और मजहबी कारकुनों ने भी मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। मजहबी तबका खड़ा ना होता तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाब ना होती। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ सफबंदी की तैयारियां, मौलाना खान शिरानी के इस्लामाबाद में डेरे और इसके साथ साथ जेजेआईएफ से निकाले गए रहनुमाओं का मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ सफबंदी की तैयारियां, मौलाना खान शिरानी के इस्लामाबाद में डेरे, जेजेआईएफ से निकाले गए रहनुमाओं का मुशावरती इजलास कल तलब किया गया है। वफाकी वज़रा ने कहा है कि मुल्क में इंतशार फैलाना अपोजिशन का वाहिद मकसद है। लाड़काना जलसे में कौमी इदारों पर तनकीद काबिले मुज़म्मत है। इलेक्शन चोरी हुआ तो सियासी मुखालफीन सबूत लाए। पीडीएम बताएं कि इस्तीफे कब देने हैं। शिबली फराज ने फैसल वावडा फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जलसे में बलोचिस्तान के शहदा से मुतालिक कोई जिक्र नहीं किया गया। लाड़काना जलसे में कौमी इदारों पर तनकीद की गई। अपोजिशन के केसेस में आसानियां मिली तो सब ठीक हो जाएगा। इस गिरोह की एक ही नारे के लिए मुहिम जारी है, वो है करप्शन बचाओ। बेनजीर भुट्टो के मजार पर उनके दुश्मनों को बिठाया गया। कल हमने ये देखा कि कल बलूचिस्तान में हमारे 7 नौजवान शहीद हुए, उसका उस जलसे में कोई जिक्र भी नहीं था, बल्कि उस इदारे पे जो तनकीद के निश्तर बरसाए गए वो हमने और आपने सबने सुना। एक ही फॉर्मूले पे ये अमल दरामद कर रहे हैं और वो है मैं, मेरा खानदान और मेरी दौलत। वफाकी वजीर फैसल बाबा का कहना था कि ऑपोजिशन लीडर चचा हैं, इस्तीफे मरियम नवाज मांग रही हैं। इलेक्शन चोरी होने के इल्जाम लगाए, चोरी के सबूत दो। धांधली हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गए। मरियम नवाज ने इक्तदार की भूख में रोना धोना मचाया हुआ है। मरियम नवाज ने कौन सी जिद्दोजहद की है कि उन्हें लीडर माना जाए। ऑपोजिशन लीडर उनका चचा है, इस्तीफे वो मांग रही है। भाई इस्तीफे तुम मांगो, चचा मांगे, इस्तीफे तो दो ना। फिर का इलेक्शन चोरी हो गए, 2.5 साल बाद इलेक्शन चोरी की बात आई तो भाई सबूत दो इलेक्शन चोरी होने के। इलेक्शन रिग हुए तो उसकी सबूत दो। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गए। एक विचार की और एक परेशानी और एक रोना धोना जो उसने मचाया हुआ है इक्तदार की भूख के अंदर। किस के तहत तुम्हें लीडर मान ले, तुमने क्या जद्दोजहद की है। फैसल वाडा का कहना था कि पानामा में मरियम नवाज बेनिफिशियरी ऑनर थी। दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान मुल्क की बर्बादी की अलामत बन चुके हैं। वसीम अकरम प्लस ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है। करप्ट हुकूमत को घर भेजना होगा, मुल्क बचाना है तो नए इलेक्शन कराना होंगे। अदाणी मोटरसाइकिल और अपनी जान तबाह कर सकता है, मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। और अब मुझे गांव के बुजुर्ग मिलते हैं और कहते हैं कि जॉय साहब वो जड़ी तुशी मोटरसाइकिल वाली मिसाल देते सो असी सुन ली थी सी। यकीन करो समझ हुन लगी है इमरान खान को देख के कि अनाड़ी अनाड़ी होता है। और आज वो अनाड़ी खुद चीख उठा, वो अनाड़ी खुद बोल उठा कि मैं 1.5-2.5 साल से समझ नहीं सका कि मुल्क कैसे चलाते हैं। और दूसरी जानब शेख रशीद ने कहा है कि लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च में फर्क है। पीडीएम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी, इस्तीफों पर दोबारा गौर भी होगा। आसिफ जदारी ने क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी कर रखी है।
वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुराद अली शाह ने वजीर आजम बिलावल का नारा लगाया, अगर आपको अंडर 19 के साथ ही खेलना है तो दूसरों के हाल पर रहम करें। मैंने देखा है कि वहां बिलावल वजीर आजम के मुराद अली शाह साहब ने नारा लगाया, कुर्बान जाऊं और शाह साहब पकड़ाई भी ना दूं, अगर आपने अंडर 19 के साथ ही खेलना है तो इस मुल्क के हाल पर रहम करें मुराद अली शाह साहब। शेख रशीद का कहना था कि कंप्यूटराइज इस्तीफों का कोई मतलब नहीं होता, हाथ से लिख कर दें, अच्छी बात है ये सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, आप देखेंगे ये इस्तीफे भी नहीं देंगे। शेख रशीद ने कहा सब लोगों की लड़ाई इमरान खान से ज्यादा नैब से है, आसिफ जरदारी ने जेलों में ज्यादा जिंदगी गुजारी। जिन लोगों ने मरकज से टाइपराइटिंग में और कंप्यूटर से निकाल के इस्तीफे बनाए हैं वो इलीगल है, उसका कोई हैसियत नहीं है, हाथ से लिखना होता है। मुझे पूरी उम्मीद है और अच्छी बात है कि ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये इस्तीफे भी नहीं होंगे। इन सब लोगों की लड़ाई इमरान खान से ज्यादा नैब के साथ है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि अभी मीटिंग नहीं की कि इनके लिए इस्तकबालिया कैंप कब और कहां लगाने हैं, ये गेट नंबर 4 की पैदावार है। वजीर आजम का एक ही मौकिफ है, मुजाकरात हो या ना हो एनआरओ नहीं मिलेगा। अभी हमने मीटिंग नहीं की कि इनके लिए इस्तकबालिया कैंप कैसे लगाने हैं जब ये आएंगे। इमरान खान का एक ही नारा है, एक ही बात है, जेशक मुजाकरात हो ना हो एनआरओ भी नहीं देगा और नैब भी खत्म नहीं होगी। शेख रशीद का कहना था कि ऑपोजिशन की लड़ाई है कि मंजूर पापड़वाला और बाकी केसेस भूल जाओ। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें कि मरियम औरंगजेब कहती हैं कि किराए के तर्जमानों ने हमेशा की तरह बदजुबानी का रिकॉर्ड कायम किया है। आटा चीनी वोट चोर इमरान खान के लिए एनआरओ मांग रहे थे, कंटेनर पर चढ़कर पार्लियामान को लानत भेजते थे, आज उसी पार्लियामान से एनआरओ की भीख मांग रहे हैं। मजीद कहती हैं कि फजलुर रहमान बिलावल और पीडीएम इनके एहतसाब पर सवार हो गए हैं, चेहरों पर उड़ती हवाइयां साफ नजर आ रही हैं। पीटीआई हुकूमत को एनआरओ नहीं देंगे, चीनी चोर के साथ कोई मुजाकरत नहीं होंगे, रोटी और दवाई चोर को ढील नहीं दी जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सबर ने कहा है कि मुखालफीन कमीशन एहतसाब को ब्रेक लगवाने के सिवा कुछ नहीं है, आईनी मुद्दत पूरी करना तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आईनी और जमहूरी हक है। गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर जंगलात सुबतैर खान ने मुलाकात की, इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था हुकूमत आईनी मुद्दत से एक दिन पहले कहीं नहीं जाने वाली, सियासी मुखालफीन का सेनेट इंतखाबात में रुकावटों का मंसूबा भी नाकाम ही होगा। वजीर आजम का कोई जाती या सियासी एजेंडा नहीं, वो आवाम के साथ हैं, वजीर आजम उसूली सियासत से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। चौधरी सरवर ने मजीद कहा कोई शक नहीं पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम भारत से हजम नहीं हो रहा, यूएनओ भारत की जानिब से दहशतगर्दों को सपोर्ट करने का नोटिस ले, दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ 22 करोड़ पाकिस्तानी मुकम्मल तौर पर मुतहिद हैं, पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन अफवाज और जज्बा ईमानी मौजूद है, मुल्की सलामती के हवाले से पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग पर वजीर आजम इमरान खान को खत लिख दिया है। मुराद अली शाह ने वजीर आजम की तवज्जो सिंध में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग की जानिब मबसूल कराई। सिंध में लोड शेडिंग, वजीर अला सिंध ने खामोशी तोड़ दी, वजीर आजम के नाम खत लिख दिया। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह ने आज वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर उनकी तवज्जो सिंध गैस की बदतरीन लोड शेडिंग की जानिब मबजूल कराई। वजीर आला का कहना था कि सिंध में गैस की लोड शेडिंग गैर कानूनी है, आइन के तहत पहले सिंध को गैस फ्राहम करनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान कानून पर अमल दरामद को मुमकिन बनाए। खत के मतन में वजीर आला ने कहा कि बदकिस्मती से जिस सूबे में 68% गैस पैदा हो रही है उसी सूबे के घरेलू और सनती सारफीन गैस से महरूम है। खत में वजीर आला का कहना था कि गैस की घरेलू बंदिश की वजह से खाना पकाने और दीगर अमूर मुतासर हो रहे हैं, तो सनतों की गैस प्रेशर में कमी की वजह से यौमिया उजरत वाले अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। खत के मुताबिक सिंध में 2500 से 2600 एमएमसीएफडी गैस पैदा हो रही है और सूबे को सिर्फ
900 से 1000 एमएमसी एफडी गैस दी जा रही है, जो कि आईन की आर्टिकल 158 की भी खिलाफ वर्जी है। खत में मुरादली शाह ने कहा कि सिंध को 1500 से 1600 एमसीसीएफडी गैस की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए अपडेट करें कि मेरे इस्लामाबाद का इलेक्शन नून लीग ने मैदान मार लिया है। मुस्लिम लीग नून के आदिल शाह मेरे इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के मलिक साजिद को शिकस्त हो गई है। नून लीग के आदिल शाह ने 43 वोट हासिल किए हैं। तहरीक इंसाफ के मलिक साजिद 26 वोट हासिल कर सके। मेयर इस्लामाबाद के नशेस्त शेख अंसर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। वफाकी दारुलहुकूमत के मेयर के जमीनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के मेयर के अहदे के लिए 3 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ और 59 वोट डाले गए। गैर सरकारी और गैर खतमी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मेरादुल शाह गिलानी ने कामयाबी हासिल की। इन्हें 43 वोट हासिल हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक साजिद दूसरे और आजाद उम्मीदवार सैयद जहीर शाह तीसरे नंबर पर रहे। मलिक साजिद ने 26 वोट हासिल किए और वाज़ह रहे कि नून लीग के शेख अंसर अजीज की जानब से मुस्तफी होने के बाद मेरे इस्लामाबाद की नशस्त खाली हुई थी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पाक चीन इक्तसादी राहदारी मनसूबों में ML1 सबसे खतीर लागत का मनसूबा है, जिससे पाक चीन तालुकात में एक नए बाप का इजाफा होगा। वजीर आजम इमरान खान ने सीपैक ML1 मनसूबे को पाक चीन दोस्ती की एक शानदार मिसाल करार देते हुए कहा कि ML1 मनसूबे से पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी मयार का जदीद कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कायम होगा। ML1 मनसूबा मुल्की सनत की तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करे। वजीर आजम इमरान खान ने यह बात अपने जेर सदारत होने वाले ML1 मनसूबे के जायज इजलास से खिताब करते हुए कही। इजलास के दौरान वजीर आजम को ML1 मनसूबे की मौजूदा पेशरफ पर तफसील तौर पर ब्रीफिंग भी दी गई है। वजीर आजम ने मनसूबे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ML1 मनसूबे से पाकिस्तानी बंदरगाहों को जमीनी राबते मरबूत होने से पाकिस्तान की बरामद पर वक्त आलमी मंडियों में पहुंच सकेगी, जिससे कीमती जर मुबादला हासिल होगा। शहरी कोर्ट CCPO लाहौर की जानिब से हिरासत करने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कासिम खान ने CCPO लाहौर पर बरहमी का इजहार करते हुए उमर शेख के तमाम इंटरव्यूज की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट में शहरी कोर्ट CCPO लाहौर की जानिब से हरासा करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस कासिम खान ने CCPO लाहौर पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि CCPO कहते थे पुलिस मुलजिम पकड़ती है और अदालतें जमानतें ले लेती है, ये बयान तो ही अदालत के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने एडवोकेट जनरल पंजाब को CCPO के तमाम इंटरव्यूज का जायजा लेने का हुक्म दिया और हिदायत की कि जहां जहां तोहीन अदालत हुई एडवोकेट जनरल दरख्वास्तें दायर करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि CCPO को तो पता है कि अदलिया ने खामोश रहना है, इसलिए ये जो चाहते हैं इंटरव्यू दे देते हैं। अदलिया बारे एक भी तोहीन आमेज लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे, गालियां खाने नहीं बैठे। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस अफसर ख्वाह वो किसी बड़े की कठपुतली ही क्यों ना हो अदालत के खिलाफ नहीं बोल सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि CCPO तो कहते थे कि 3 माह में सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं हुआ, डकैतियों और चोरियों में इजाफा हुआ। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए CCPO लाहौर और डिप्टी कमिश्नर से 15 रोज में जवाब तलब कर लिया। मकबूजाबादी में भारतीय फौज की दरिंदगी फिर बेनकाब हो गई। एक आवेश फौज ने 3 कश्मीरी मजदूरों को जाली मुकाबलों में शहीद करने का एतराफ कर लिया। मकबूजाबादी में एक और जुल्म की दास्तान रकम। भारतीय फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। भारतीय फौज का मकरूह चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। जुलाई में राजौरी के 3 कश्मीरी नौजवान मजदूरी के लिए शुपियां गए, जहां उन्हें गासिब फौज ने जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। काबिज फौज के कैप्टन भूबिंद्रा सिंह और उसके 2 साथियों ने शहीद नौजवान इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और अबरार खटाना को अगवा किया, फिर एक मकान में ले जाकर गोलियों से छलनी कर दिया। गासिब फौज ने वाकये को मुकाबले का रंग देने के लिए लाशों पर बंदूकें रख दी।
भारतीय पुलिस ने इंसानियत सोच वाकये को भांडा फोड़ा तो भारतीय फौज ने भी एतराफ कर लिया। शहदा के अली खाना ने जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। दूसरी जाने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत आंखों में धूल झोंकने के लिए कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में कत्ल करके दहशतगर्द बनाकर पेश करता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीरी नौजवानों पर जाली भारतीय मुजालिम और जुल्मों पर परियत को आश्कार करते हुए कहा कि भारतीय अफवाज जबरो इस्तबदाद से निहत्ते कश्मीरियों में खौफ फैला रही है। वजीर खारजा ने कहा कि कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, आंखों में धूल झोंकने के लिए मकतुलैन को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि मकतुलैन को दहशतगर्द दिखाकर झूठे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, अब दुनिया भारतीय अजायम को समझ चुकी है। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला थम ना सका। कोरोना वायरस से 55 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 9,929 रिकॉर्ड की गई है और पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,73,309 हो गई है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर बे एहतियाती से अमवात और केसेस में इजाफा जारी। एनसीओसी की ताजा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक जानलेवा वायरस से एक दिन में 55 अफराद जान बहक, अमवात की तादाद 9,929 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,974 नए केसेस, पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,73,309 हो गए। पंजाब में 1,36,147, सिंध में 2,11,276, खैबर पख्तूनख्वा में 57,467, बलूचिस्तान में 18,082, गिलगित बल्तिस्तान में 4,850, इस्लामाबाद में 37,272, जबकि आजाद कश्मीर में 8,215 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 65,89,317 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32,205 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,23,892 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,263 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। और अब चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान केसेस में अचानक कमी आना शुरू हो गई है और महकमा सेहत के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह कम होकर 7% हो गई है, जबकि सियासी जलसों और शादी तकरीबात में एसओपीस पर अमल नहीं होता, जिसके बायस केसेस में अचानक इजाफा होता है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आशिक हुसैन की रिपोर्ट में। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई ने रोज न्यूज को बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान केसेस में कमी आई है। इस वक्त अस्पताल में 25 मस्बत केस हैं, जिनमें से 7 जेल के कैदी भी हैं, जबकि कैदियों के लिए एक अलहदा वार्ड भी कायम किया गया है। अब तादाद पेशेंट्स की कम हुई है। यहाँ पर हैदराबाद में जो हाई डिपेंडेंसी और आईसीयू है, दोनों में मिला के टोटल 25 पेशेंट्स हैं, जिसमें शामिल हैं 7 मरीज जो कि हमारे पॉजिटिव केसेज हैं, लेकिन वो प्रिजनर्स हैं। हमने उनका एक थर्ड वार्ड बनाया हुआ है। उनको आईसीयू की या एचडीयू की जरूरत नहीं थी, लेकिन फकत पॉजिटिव केसेज हैं। तो 25 पेशेंट्स अभी हमारे यहाँ हैदराबाद में है। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई का यह भी कहना है कि सियासी जलसों और शादी की तकरीबात में एसओपीज पर अमल नहीं होता, जिसके बायस अचानक कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हो जाता है। इनफैक्ट हकीकत तो यही है कि अगर एसओपी पे प्रॉपर तरीके से अमल दरामद नहीं किया जाएगा, वो बैंक हो या बाजार हो या शादी की जगह हो जहाँ पर तकरीबें होती हैं या कहीं जलसा होता है, ऐसी तकरीबों में क्योंकि एसओपी का ख्याल नहीं रखा जाता, तो उससे नतीजा तो वही निकलेगा कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। अब ये काम है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का। हमने ये भी लेटर्स लिखे हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को कि इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए। टिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि मौसम सरमा के दौरान शहरी कोरोना एसओपी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ आशिक हुसैन, रोज न्यूज हैदराबाद। बरतानिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक लहर के बायस का पाकिस्तान में आने वाले मुसाफिरों पर आरसी सफर पाबंदियों की मुद्दत में तौसी कर दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान ने पाबंदी की मुद्दत में तौसी कर दी।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुसाफिरों पर 29 दिसंबर तक आरडी पाबंदियां आयत की गई थी, जिसकी मुद्दत में अब 4 जनवरी 2021 तक तौसी कर दी गई है। सीएए का कहना है कि 4 जनवरी के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर आइंदा का फैसला किया जाएगा। डायरेक्टरेट ट्रांसपोर्ट इरफान सावर ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब कुछ खबरें बैन अल-अक़वामी मंजरनामे से। बैन अल-अक़वामी मंजरनामे से खबर यह है कि आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 8,11,42,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं और 17,71,884 अमवात भी हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 5,72,91,000 से जायद अफराद जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं और 2,20,79,000 से जायद जेर इलाज हैं। अमरीका में कोरोना वायरस की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां 3,41,148 अमवात हो चुकी हैं और 1,95,73,000 से जायद केसेज भी रिपोर्ट हो चुके हैं। और अब भारत चलते हैं, जहां कोरोना के एतबार से दुनिया में ये दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,47,940 और 1,20,08,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील का रुख किया जाए तो कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की मजमू तादाद 1,91,146 और 74,84,000 से ज्यादा अफराद मुतासर है। रूस चलते हैं, जहां 30,50,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 54,778 हो गई। मोदी के खिलाफ भारत भर में किसानों के मुजाहरे शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। धरने के दौरान एक और किसान ने खुदकुशी कर ली। मुतनासा सरई कवानीन के खिलाफ भारत में किसानों के मुजाहरे जारी हैं। दिल्ली और इसके इर्द गिर्द काश्तकार एक माह से ज्यादा अरसे से धरना दिए बैठे हैं। एहतजाज के दौरान एक और किसान ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली के वजी अला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुतनाजा जरई कवानीन से किसानों को नहीं मोदी के कारोबारी यारों को नुकसान और फायदा होगा। उन्होंने मोदी के वजीरों को किसान लीडरों के साथ मुबाहसे का चैलेंज भी दे दिया है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार जो अल्फाज किसानों के बारे में कह रही है वो गुनाह है, मुतनाजा कानून को वापस लिया जाना चाहिए। समाजी लीडर राणा हिजाने ने भी मोदी सरकार के खिलाफ और किसानों के हक में एहतजाज का ऐलान किया है। मुजाहरों का दायरा कई शहरों तक फैल चुका है और शदीद सर्दी के बावजूद काश्तकार काफी पुरजोश है और अपनी मदद आप के तहत तहरीक चला रहे हैं। दूसरी जानब नव मुंतखब सदर जो बाइडन और अमरीकी शहरियों को दबाव का काम उनका काम कर गया है। सदर ट्रंप ने 900 अरब डॉलर के कोरोना इमदादी पैकेज के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना इमदादी पैकेज पर दस्तखत करके इसे कानून की शक्ल दे दी है। अगर सदर बिल पर आज दस्तखत न करते तो हुकूमत को जुजवी शटडाउन का सामना करना पड़ता और तकरीबन 1 करोड़ बेरोजगार अमरीकी इमदाद से महरूम हो जाते। इससे पहले सदर ट्रंप ने बिल पर दस्तखत करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि लोगों को इससे ज्यादा इमदाद देनी चाहिए। दोनों अमरीकी सियासी पार्टियों ने बिल को मुश्तरक तौर पर मंजूर किया था। और अब चलते हैं खेल के मैदान में। माउंट मंगोई टेस्ट में पाकिस्तान फॉलो ऑन से बाल बाल बच गया है। बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में कौमी टीम 239 रन बनाकर आउट हो गई। मेजबान टीम को 192 रन की बढ़तरी भी मिल गई थी। माउंट मंगोई टेस्ट के तीसरे रोज 30 रन और 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज किया तो शाहीनों की विकेटें यके बाद दीगरे गिरने लगी। इस दौरान बारिश के बाइस खेल बार बार मुतासर हुआ। आबिद अली ने क्रीज पर कदम जमाने की कोशिश की, हम सिर्फ 25 रन दे सके। इन्हें जैमिसन ने शिकार किया और उनके बाद मोहम्मद अब्बास 5, अजहर अली भी 5, हारिस सोहेल 3 और फवाद असलम 9 रन बनाकर कीवीज फील्डर्स को कैच पकड़ाते रहे और पेविलियन वापस लौटते रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया। फहीम अशरफ की शराकत दारी में कीवीज के खिलाफ मुजाहमत दिखाई और नेस सेंचुरी मुकम्मल करते हुए 71 रन बनाए।
फहीम ने भी हिम्मत की और 91 स्कोर किए। ताहम यासिर शाह और शाहीन आफरीदी ने भी दीगर बल्लेबाजों की तरह खराब कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बलतरतीब 4 और 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। यूं पूरी टीम 239 के मजमूई स्कोर पर आउट हो गई। मेजबान टीम कल 192 रन की बढ़तरी के साथ चौथे दिन का खेल शुरू करेगी। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 431 रन बनाए थे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान ने बड़ा एजाज हासिल कर लिया है। उनको पाक बहरिया में लेफ्टिनेंट का एजाजी रैंक दे दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्यासी ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी फखर जमान को लेफ्टिनेंट का एजाजी रैंक तफवीज किया। पाक बहरिया के तर्जुमान की तरफ से बताया गया कि टेस्ट बैट्समैन को एजाजी रैंक क्रिकेट के मैदान में शानदार कारकर्दगी और पाक बहरिया से वाबस्तगी की बिना पर दिया गया है। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि फखर जमान ने 2007 में बतौर पाक बहरिया की ऑपरेशनल ब्रांच में शमूलियत इख्तियार की। अपने करियर के दौरान फखर जमान ने क्रिकेट के मैदान में पाक बहरिया के लिए मुतअद्दिद एजाजात भी हासिल किए। कुछ खबरें कारोबारी दुनिया से। मुल्क भर की मुकामी मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत में 100 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 1,13,450 रुपए हो गई। बैन अल-कौमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत में 2 अमरीकी डॉलर की कमी देखी गई, जिसके बाद नई कीमत 1,878 अमरीकी करेंसी हो गई। बैन अल-कौमी मार्केट में कीमतें कम होने के बावजूद मुल्की सराफा मार्केटों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, हैदराबाद, सक्कर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत दीगर जगहों पर फी तोला सोने की कीमत में 100 रुपए का इजाफा देखा गया और नई कीमत 1,13,450 रुपए हो गई। दूसरी तरफ फी तोला सोने की तरह 10 ग्राम सोने की कीमत में 85 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई और नई कीमत 97,265 रुपए हो गई। मजीद बना फी तोला और 10 ग्राम चांदी की कीमत में बलतदरीब 60 रुपए और 41,044 रुपए की उड़ान देखी गई और नई कीमतें 1,320 रुपए और 1,131.68 रुपए हो गई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट rosenews.com.pk और देखते रहिए रोज न्यूज़।